ठीक लिखिए, एमॉर्फस सॉलिड, एमॉर्फस सॉलिड, तो कल हम लोग पढ़े थे क्रिस्टलाइन सॉलिड और एमॉर्फस सॉलिड। एमॉर्फस सॉलिड क्या है? अब देखो क्रिस्टलाइन सॉलिड में पढ़े थे कि वह सॉलिड जिसका ज्योमेट्री लिमिट है। ज्योमेट्री का क्या मतलब होता है? ज्योमेट्री का मतलब होता है कि कुछ उसका पीसेस है, स्ट्रक्चर, तो जिसका ज्योमेट्री डिफरेंट है उसको कहते हैं क्रिस्टल। और एमोर्फस का मतलब होता है कि वह सॉलिड जिसका ज्योमेट्री डिफिनिट नहीं है। कहे मतलब इसे इसको ध्यान से देखो, एक सिलिंड्रिकल शेप लिए हुए है, ये रबर का बना हुआ है और इसको जब हम हाथ से दबा रहे हैं तो ये दब जा रहा है, छोड़ दे रहे हैं तो ये अपने पुराने शेप में वापस लौट जा रहा है, तो इसको हम लोग कहते हैं इनडिफिनिट ज्योमेट्री। समझे? इनडिफिनिट ज्योमेट्री कहने का मतलब कि वह ज्योमेट्री, वह स्ट्रक्चर जो एक्सटर्नल प्रेशर के कारण चेंज होता है और प्रेशर हटाने के बाद फिर से अपने पुराने शेप में लौट जाए, तब उसे कहेंगे हम इनडिफिनिट ज्योमेट्री। तो कहता क्या है, एमॉर्फस सॉलिड में एमॉर्फस सॉलिड का कंसेप्ट कहता है कि द सॉलिड which have indefinite geometrical structure with soft edge called amorphous solid। क्या लिखे हैं यहां पर? द सॉलिड विच हैव इनडिफिनिट ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर विद सॉफ्ट एज। वह सॉलिड जिसका ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर इनडिफिनिट है, अनिश्चित है, सॉफ्ट एज, कहने का मतलब किनारा मुलायम। अब देखिए मुलायम किनारा का क्या मतलब होता है? मुलायम किनारा का मतलब होता है कि इसको आप पकड़ करके तोड़िए तो बीच से टूट जाए, मुड़े नहीं। जैसे कि पेन अगर लोहा का बना होता और इसको पकड़ करके बीच से मोड़ते तो मुड़ जाता, फिर सीधा कर देते तो सीधा होता। लेकिन ये जो है ये प्लास्टिक का बना हुआ है या उस टाइप के किसी मटेरियल का, तो इसको बीच से पकड़ करके तोड़ेंगे तो टूट करके दो टुकड़े में टूट करके अलग हो जाएगा, तो इसको बोलेंगे सॉफ्ट एज। एमॉर्फस सॉलिड में क्या होता है कि एमॉर्फस सॉलिड वह सॉलिड है जिसका ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर इनडिफिनिट है, कहने का मतलब उसका शेप ऐसा है कि अगर आप उस पर प्रेशर लगाइएगा तो चेंज हो जाएगा, हटा लीजिएगा तो फिर से पुराने शेप में आ जाएगा। और सॉफ्ट एज मतलब इसका किनारा मुलायम है, मुलायम किनारा कहने का मतलब इसको हम तोड़ने का कोशिश करेंगे टूट जाए, तो इस तरह के सॉलिड को हम लोग कहते हैं एमॉर्फस सॉलिड। जैसे एमॉर्फस का एग्जांपल क्या होगा? रबर, फाइबर, इटीसी। रबर, फाइबर, ये सब जो हो गए एमॉर्फस सॉलिड के एग्जांपल हो गए। रबर और फाइबर में टेंडेंसी क्या होती है कि अगर इसको दबाया जाए तो ये अपना शेप चेंज करेगा और अगर इसको छोड़ा जाए तो फिर से ये अपने पुराने शेप पर वापस लौट जाए, तो इस तरह के सॉलिड को कहते हैं हम लोग एमॉर्फस। हेडिंग देना है प्रॉपर्टीज ऑफ एमॉर्फस सॉलिड, प्रॉपर्टीज ऑफ एमॉर्फस सॉलिड, एमॉर्फस सॉलिड के गुण। पहला, रबर फाइबर को कहते हैं एमॉर्फस सॉलिड।
निकालने का कोशिश करें रबर या फाइबर को कि कम टेंपरेचर पर पिघलने लगेगा कि ज्यादा टेंपरेचर पर पिघलेगा, कम टेंपरेचर पर पिघलेगा इसका मतलब क्या हो गया, तो दे हैव लो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, दे हैव लो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। दूसरा सेकंड पॉइंट, रबर और फाइबर इसकी टेंडेंसी होती है कि यह करंट को कभी भी इस बात का परमिशन नहीं देगा कि हमसे होकर के पास करेंगे। सपोज कर लीजिए कि आपके हाथ में, मानिए आपके आपके हाथ में एक रबर या एक फाइबर का स्टिक और इससे आप किसी इलेक्ट्रिक वायर को टच करने का कोशिश कर रहे हैं, देखिए हाथ में करंट आएगा नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा, क्योंकि रबर और फाइबर से बने हुए मटेरियल में फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है। और कल बताया था कि इलेक्ट्रॉन जो किसी के साथ बॉन्ड नहीं बनाए हुए है जिसे हम फ्री इलेक्ट्रॉन कहते हैं, वही करंट का कैरियर है, एक जगह से दूसरे जगह तक करंट को ले जाने का काम करता है। तो रबर और फाइबर में फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है, इसका क्या मतलब हुआ कि ये हीट और इलेक्ट्रिसिटी का इंसुलेटर होगा, कंडक्टर नहीं होगा। तो दूसरा पॉइंट क्या कहता है कि दे आर इंसुलेटर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, दे आर इंसुलेटर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, यह हीट और इलेक्ट्रिसिटी का इंसुलेटर, इंसुलेटर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। तीसरा पॉइंट कहता है कि दे बिकम सॉफ्ट इन कॉन्टेक्ट ऑफ हीट, दे बिकम सॉफ्ट इन कॉन्टेक्ट ऑफ हीट, मतलब कि इसको जैसे ही हीट के कॉन्टेक्ट में लाइएगा यह मुलायम होना शुरू हो जाएगा, धीरे धीरे करके पिघलने लगेगा। हीट के कॉन्टेक्ट में आते ही घर में रबर और फाइबर का बना हुआ अगर कोई मटेरियल होगा जैसे कि कुर्सी, कोई टीवी का कैबिनेट या कुछ भी, उसको गर्म करके देखना, वो जैसे हीट के कॉन्टेक्ट में आएगा पिघलना शुरू, ये इसके प्रॉपर्टीज होते हैं। और ध्यान दीजिएगा कल वाला पढ़े थे ठीक से, कल वाला ठीक से पढ़े, कल वाला अगर ठीक से पढ़े होइएगा या पढ़ते तो उसके क्लास में हम बताए हुए थे कि सॉलिड के तीन प्रॉपर्टी मेन होते हैं। पहला उसका स्ट्रक्चर डिफिनिट होता है, मतलब एक्सटर्नल प्रेशर के कारण अपना स्ट्रक्चर चेंज नहीं करता है। दूसरा हीट और इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर होता है। और तीसरा उसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है। ये तीन प्रॉपर्टीज क्रिस्टल में पाए जाते हैं और यही कारण है कि हम लोग क्रिस्टलाइन सॉलिड को ट्रू सॉलिड कहते हैं। ये तीन प्रॉपर्टी क्रिस्टल में पाए, पहला कौन तो उसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट हाई हो, दूसरा हीट और इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर होगा, और तीसरा उसका ज्योमेट्री डिफरेंट होगा, कभी भी प्रेशर में अपना स्ट्रक्चर चेंज नहीं कर सकते। ये तीन प्रॉपर्टी जिसमें पाया जाएगा वो भी ट्रू सॉलिड कहलाएगा। एमोर्फस में ये तीनों में कोई प्रॉपर्टी नहीं है, और तीनों में कोई प्रॉपर्टी नहीं है इसका मतलब है कि एमोर्फस सॉलिड तो है लेकिन सॉलिड के प्रॉपर्टीज को, गुण को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है। और जब कोई सॉलिड होते हुए सॉलिड के गुण को रिप्रेजेंट नहीं करे तब इसे हम लोग कहते हैं स्यूडो, स्यूडो का मतलब होता है झूठा, जिसे 10th वर्ड में पढ़े हुए का यूजिंग है स्यूडोपोडिया, फॉल्स लेट। तो क्या होता है एमोर्फस सॉलिड, सॉलिड की जो तीन मेजर प्रॉपर्टीज है उसको रिप्रेजेंट नहीं करता है, इसीलिए एमोर्फस सॉलिड को क्या कहते हैं हम लोग, तो दे आर ऑल्सो called as pseudo, pseudo solids। क्या क्या कहलाएगा, तो ये कहलाएगा pseudo solid, false solid।
आगे क्या है? तो अगला प्रॉपर्टी इसका कहता है कि दे हैव सॉल्ट रिवेंज पाउडर, और अगला कहता है कि दे आर आइसो ट्रॉपी इन नेचर, ये आइसोट्रॉपी नेचर के। तो अगला प्रॉपर्टी इसका क्या बोल रहा है कि दे हैव सॉल्ट रेंज ऑर्डर, इसने सॉल्ट रेंज ऑर्डर होगा और दे आर आइसोट्रॉपी इन नेचर, ये आइसोट्रॉपी नेचर का होगा। अब हेडिंग देते हैं सॉल्ट रेंज ऑर्डर, क्या है सॉल्ट रेंज ऑर्डर। तो देखो कल की क्लास में हम बताए हुए थे लॉन्ग रेंज ऑर्डर के बारे में, और लॉन्ग रेंज ऑर्डर के बारे में हम बताए थे कि सॉलिड लिक्विड गैस कुछ भी हो वो एटम के मिलने से बनता है। लॉन्ग रेंज होगा कि शॉर्ट रेंज होगा इस बात पे डिपेंड करता है कि एटमों के बीच बना हुआ बॉन्ड कैसा है, बॉन्ड का नेचर कैसा है। अगर किसी सॉलिड के एटम आपस में मजबूत बॉन्ड बनाया है तो लॉन्ग रेंज होगा, और अगर किसी सॉलिड के एटम आपस में कमजोर बॉन्ड बनाया है तब वो यहां शॉर्ट रेंज होगा। लॉन्ग रेंज ऑर्डर मजबूत, शॉर्ट रेंज ऑर्डर कमजोर। अब देखो बॉन्ड मजबूत है कि कमजोर है इसे पता चलेगा, कोई चीज मजबूत है कि कमजोर है इसको पता करने का एक ही तरीका है कि इसको तोड़ने में कितना एनर्जी लगता है। अगर आप क्रिस्टलाइन सॉलिड को मेल्ट करते हैं माने पिघलाते हैं या बॉयल करते हैं या डुबाते हैं, वहां जो हीट देते हैं, हीट के बारे में थर्मोडायनामिक्स में क्या बताया गया कि हीट इज अ सोर्स ऑफ एनर्जी, हीट एक प्रकार का एनर्जी है। तो अगर हम लोग बात करें क्रिस्टलाइन सॉलिड का, तो क्रिस्टलाइन सॉलिड को पिघलाने में ज्यादा हीट देना पड़ता है, ज्यादा हीट देना पड़ता है, कहने का मतलब हुआ कि उसके बॉन्ड मजबूत है। और एमोर्फस सॉलिड में क्या पढ़ते हैं आप कि इसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट कम होता है, यानी कि इसको पिघलाने में कम हीट देना पड़ता है, यानी कि क्या हुआ इसका बॉन्ड कमजोर है। तो जिसका बॉन्ड कमजोर है उसको तोड़ने में कम हीट का जरूरत होगा, और जिसका बॉन्ड मजबूत है उसको डिसोसिएट करने में लार्ज क्वांटिटी ऑफ हीट का जरूरत होगा। शॉर्ट रेंज ऑर्डर है, इसका मतलब क्या हुआ कि यहां जो एटमों के बीच बॉन्ड बना है वो कमजोर है। क्या होता है शॉर्ट रेंज ऑर्डर? इसका मतलब हो गया कि द सॉलिड इन विच देयर एटम्स bind with each other by weak bond is called short range. The solid in which their atoms are bound with each other by weak bond is called short range order. वो solid जिसका atom आपस में कमजोर bond बनाया उसे क्या कहेंगे? Short range order. अब चलो अगला इसका property क्या है कि आगे हम पढ़ेंगे कि क्या isotropy है। कल भी हम आप लोगों को बताए थे एनिसोट्रॉपी के बारे में, एनिसोट्रॉपी में क्या बताए थे कि एनिसोट्रॉपी दो वर्ड का कॉम्बिनेशन है, एनिसियो और ट्रॉपी। ठीक उसी तरह से आइसोट्रॉपी भी दो वर्ड का कॉम्बिनेशन है, आइसो प्लस ट्रॉपी। आइसो का क्या मतलब होता है?
सेम और दूसरा ट्रॉपी मतलब एलिमेंट, इन्हीं दोनों पार्टी के मिलने से बना है आइसोट्रॉपी। किसका एलिमेंट अगर हम लोग बात करें आइसोट्रॉपी का तो किसका एलिमेंट, तो किसी भी सॉलिड लिक्विड या गैस इसमें एलिमेंट किसका होगा, सॉलिड लिक्विड और गैस में एटम का एलिमेंट होगा। एटम के एलिमेंट को देखने के लिए हमने क्या किया, ये एक सॉलिड है मेरे पास, इस सॉलिड के पतले पतले लेयर को काटा सेक्शन को, और काटने के बाद इसके अंदर एटमों का सजावट अरेंजमेंट इस तरीके से किया गया है देखने के लिए इसको चार पार्ट में डिवाइड किया। ये डायरेक्शन ए है, ये मान लो बी है, सी है, ई। हमने देखा कि अगर डायरेक्शन ए में एटम का दो लेयर तो डायरेक्शन बी में भी एटम का दो ही लेयर होगा, डायरेक्शन सी में भी दो ही लेयर होगा और डायरेक्शन डी में भी, हर डायरेक्शन में एटम का इक्वल लेयर है। अब अगर हर डायरेक्शन में एटम का लेयर इक्वल है इसका क्या मतलब होगा, कि किसी भी सॉलिड का वह प्रॉपर्टीज जो एटम के नंबर पर डिपेंड करता है वह हर डायरेक्शन में एक ही तरह का, किसी भी सॉलिड का वह प्रॉपर्टीज जो एटम के नंबर पर डिपेंड करता है वह हर डायरेक्शन में एक तरह का होगा, एक जैसा होगा ना, तब इसको हम कहेंगे एटम के नंबर पे कौन सा प्रॉपर्टी डिपेंड करता है। तो एटम के नंबर पे डिपेंड करेगा जैसे सॉलिड का मास, वॉल्यूम, डेंसिटी, और इस सब प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं, फिजिकल प्रॉपर्टी। क्या बोलेंगे इसको, फिजिकल। तो क्या कहता है आइसोट्रॉपी का डेफिनेशन, कि द सॉलिड व्हिच रिप्रेजेंट, द सॉलिड व्हिच रिप्रेजेंट सेम फिजिकल प्रॉपर्टी, द सॉलिड व्हिच रिप्रेजेंट सेम फिजिकल प्रॉपर्टी इन ऑल डायरेक्शन, द सॉलिड व्हिच रिप्रेजेंट सेम फिजिकल प्रॉपर्टीज इन ऑल डायरेक्शन ड्यू टू द अरेंजमेंट of atoms in same way is called isotropy। ध्यान से देखिएगा, isotropy का मतलब होता है कि the solid which represents the same physical properties। सॉलिड जो एक ही जैसे फिजिकल प्रॉपर्टी छोड़ी प्रेजेंट करता है, द सॉलिड व्हिच रिप्रेजेंट सेम फिजिकल प्रॉपर्टी, वह सॉलिड जो एक जैसे फिजिकल प्रॉपर्टी छोड़ी प्रेजेंट करता है इन ऑल डायरेक्शन, सभी डायरेक्शन में, क्यों, ड्यू टू द अरेंजमेंट ऑफ एटम्स इन सेम वे, क्योंकि यहां एटमों का अरेंजमेंट हर डायरेक्शन में एक तरीके से किया गया है, इज कॉल्ड आइसोट्रॉपी। वही आइसोट्रॉपी, आइसो माने सेम, ट्रॉपी माने अरेंजमेंट। तो वह सॉलिड जिसका प्रॉपर्टीज हर डायरेक्शन में एक जैसा है, क्योंकि यहाँ एटमों को हर डायरेक्शन में एक तरीके से सजाया गया है, तो इस तरह के सॉलिड को हम क्या बोलते हैं, ठीक, नोट करिए। अब एक बात सुनो, सॉलिड दो तरह के होते हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड और एमोर्फस सॉलिड। क्रिस्टलाइन सॉलिड क्या करता है कि सॉलिड के जो जो प्रॉपर्टीज हैं सभी प्रॉपर्टीज को रिप्रेजेंट करता है, जबकि एमोर्फस सॉलिड रहता तो है सॉलिड स्टेट में लेकिन सॉलिड के सभी प्रॉपर्टीज को रिप्रेजेंट नहीं करता है। तभी विचार के विषय पर इस पर डिस्कशन होगा कि एमोर्फस सॉलिड क्या है जो सॉलिड स्टेट में रहता है लेकिन सॉलिड के सभी प्रॉपर्टीज को रिप्रेजेंट नहीं करता है। तो काफी डिस्कशन के बाद रिजल्ट आया सामने, लोग माने चार पांच साइंटिस्ट लोग जब एक साथ बैठे होंगे
तो एक राय बनाए कि अमोर्फस सॉलिड कभी लिक्विड रहा होगा, अमोर्फस सॉलिड कभी लिक्विड रहा होगा जो बहुत ज्यादा ठंडा करने के कारण, बहुत ज्यादा ठंडा होने के कारण सॉलिड में कन्वर्ट हो गया, और तब अमोर्फस सॉलिड का एक नया नाम पड़ा सुपर कूल्ड लिक्विड, बहुत ज्यादा ठंडा किया हुआ लिक्विड। 12 एग्जाम में क्वेश्चन आया था 14 में, व्हाई अमोर्फस सॉलिड इज कॉल्ड ए सुपर कूल्ड लिक्विड, अमोर्फस सॉलिड को सुपर कूल्ड लिक्विड क्यों कहते हैं, कारण क्या है, इस पर ध्यान दीजिएगा। और एक पॉइंट स्टार्ट करके आप लिख लेंगे कि अमोर्फस सॉलिड कैन नॉट रिप्रेजेंट द ऑल प्रॉपर्टीज अमोर्फस सॉलिड कैन नॉट रिप्रेजेंट द ऑल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड बट इट कैन एग्जिस्ट इन सॉलिड free from
their atoms are bind with each other by weak bond. Bind with each other by weak bond. तो ठीक से समझिए, बताया है कि क्रिस्टलाइन सॉलिड कंसिस्ट इंप्यूरिटी एंड देयर एटम्स आर बाइंड विद ईच अदर बाय स्ट्रांग बॉन्ड। अमोर्फस सॉलिड इज फ्री फ्रॉम ऑल टाइप्स ऑफ इंप्योरिटी एंड देयर एटम्स आर बाइंड विद ईच अदर बाय वीक बॉन्ड। क्रिस्टलाइन सॉलिड में इंप्योरिटी होता है। इंप्योरिटी का क्या मतलब होगा? इंप्योरिटी का मतलब ये नहीं होगा कि आपको नुकसान पहुंचा। इंप्योरिटी का मतलब होगा कि ओरिजिनल पार्टिकल इज नॉट इंप्योरिटी, बाहरी चीजों की इंप्योरिटी। जिससे सपोज करिए कि हमारे पास में लोहा 100 ग्राम्स, अगर 100 ग्राम प्योर लोहा ही है तो प्योर है। सपोज करिए 100 ग्राम लोहा है, 100 ग्राम लोहा में 1-2 ग्राम लोहा कम है और उसमें गोल्ड ही मिला दिया है, भले गोल्ड का वैल्यू बहुत ज्यादा है लेकिन वो इंप्योरिटी का है। इंप्योरिटी ही मजबूत करता है। जैसे कि गोल्ड की टेंडेंसी क्या होती है ना कि वह गोल्ड के साथ बॉन्ड नहीं बनाता है। तो जब भी सोने का कोई स्ट्रक्चर बनाया जाता है ना, कोई ऑर्नामेंट या कोई स्टैचू वगैरह बनाया जाता है, तो उसमें लिमिटेड क्वांटिटी में क्या किया जाता है कि कॉपर मिला दिया जाता है, ताकि कॉपर दो गोल्ड के बीच में बॉन्ड बना सके। जैसे घर बनता है तो दो ईंट रखे बीच में, बाद में सीमेंट वगैरह बाइंडिंग मटेरियल रखे, वो बीच वाला क्या है? इंप्योरिटी है। खाली ईंट को एक साथ रखते तो प्योर। तो इंप्योरिटी का मतलब होता है फॉरिजन पार्टिकल, और फॉरिजन पार्टिकल कहीं भी जब पहुंचेगा तो बॉन्ड को मजबूत करेगा। तो अगर पूछा जाए कि क्रिस्टलाइन सॉलिड के मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट हाई क्यों है, तो उसका रीजन कि क्रिस्टलाइन सॉलिड के मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट हाई इसलिए है क्योंकि उसमें इंप्योरिटी है। एमोर्फस सॉलिड का मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट कम क्यों है? एमोर्फस सॉलिड का मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट कम इसलिए है क्योंकि उसमें इंप्योरिटी नहीं है। ठीक है, तो इसको हम यही रहने देते हैं। और कल और आज कितना तक पढ़ाई हुआ है उसके बेस पर हम कुछ क्वेश्चन देते हैं जिसको लिख करके हम दे रहे हैं, डाल रहे हैं, उसको लिख करके देंगे। उसका आंसर आप लोगों को अपने कॉपी पर लिखना है।